फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो अगला क्वेश्चन है वो है, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग सेम काइनेटिक एनर्जी, अब तीन पार्टिकल्स हैं, ये ना बहुत कॉमन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई, मेंस, नीट कहीं पर भी उसने ये क्वेश्चन देना ही देना है, अल्फा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और ना आपको वो चार्ज देगा ना आपको इसका मास देगा, और जबकि मैंने आपको बता रखा है कि क्या करना होता है चार्ज और मास का, मैं फिर से बता दूंगा अभी आपको। तो इस क्वेश्चन के अंदर तीनों पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी एकदम सेम है, आर अलाउड टू पास थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो मुझे एक बात बताओ, जब कोई चार्ज पार्टिकल तीनों के तीनों परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे, दे विल मूव इन अ सर्कल, पहला पॉइंट क्लियर है, तीनों सर्कल में मूव करेंगे, काइनेटिक एनर्जी सेम है, कंपेयर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, तो आपने क्या करना है तीनों के रेडियस की क्या निकालनी है, रेशियो, रेडियस होता क्या है सर्कल में बताओ, एम वी बाय बी क्यू, रेडियस किसी भी के लिए एम वी बाय बी क्यू, प्रॉब्लम कहां पर है, मास तीनों का डिफरेंट है और चार्ज तीनों का डिफरेंट है, तो अगर मैं मास और चार्ज बता दूं तो रेडियस की रेशियो आ सकती है, क्लियर, क्लियर है, ठीक है, तो रेडियस इज एम वी बाय बी क्यू। अब ये याद करना है आपने कि जो न्यूट्रॉन होता है ना उसका मास ट्वाइस द मास ऑफ प्रोटॉन होता है, याद ही करना है, और जो चार्ज होता है न्यूट्रॉन का वो चार्ज ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, और ये भी याद करना है अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है फोर टाइम मास ऑफ प्रोटॉन है, और जो चार्ज अल्फा पार्टिकल का होता है टू टाइम चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, ये याद करना है, पेपर में मैं दूंगा, ये स्कूल वाले भी देंगे, कॉम्पिटिशन वाले भी देंगे, टेस्ट के टाइम में मत पूछना सर वो भूल गया था न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है यहाँ तक, और ये आना ही आना है कुछ इस टाइप का प्रॉब्लम, ठीक हो गया, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसे। नेक्स्ट है, क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी सेम, रेडियस की वैल्यू की रेशियो निकालनी है, रेडियस क्या होता है एम वी बाय बी क्यू, रेडियस इक्वल टू एम वी बाय बी क्यू। अब आपको इस क्वेश्चन में वेलोसिटी तो गिवन नहीं, आपको इसकी बजाय क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी तीनों की एग्जैक्टली सेम है, तो पहला काम एक ये करो, काइनेटिक एनर्जी के की वैल्यू क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, वी आ गया इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया, तो वी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के निकाल ली, इस वी को उठा के रेडियस में पुट कर दें, तो ये पुट कर दी मैंने वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये क्या आ गया, रेडियस आ गया, रेडियस आ गया, मास को अंडर रूट के अंदर ले जाए, मास स्क्वायर बन गया, मास से मास कैंसिल, तो रेडियस आ गया, तो रेडियस की वैल्यू वो आ गई, क्लियर है यहां तक। अब कुछ नहीं करना, एक बार किसके लिए लगाएंगे, प्रोटॉन के लिए, तो रेडियस ऑफ प्रोटॉन में क्या होगा, मास और चार्ज दोनों चेंज होंगे, देखो काइनेटिक एनर्जी तीनों की विल रिमेन सेम, मैग्नेटिक फील्ड तीनों का विल रिमेन सेम, तो फिर चेंज क्या हो रहा है, चार्ज चेंज हो रहा है और मास चेंज हो रहा है, तो पहले केस में प्रोटॉन के लिए मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ये देखो मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दूसरे केस में न्यूट्रॉन के लिए मास ऑफ न्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, बाकी सेम, तीसरे के लिए अल्फा के लिए मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, तो ये तीनों क्या आ गया, रेडियस की वैल्यू आ गई, क्या ये पॉइंट क्लियर है, रेडियस की वैल्यू आ गई। अब आगे क्या करना है, आपको इनकी रेशियो निकालनी है, रेशियो आसान है, क्या करना है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन दोनों रेडियस को डिवाइड कर दो, पहले इसको इससे डिवाइड करेंगे तो के और बी कैंसिल, टू टू बी कैंसिल, तो ये आ जाएगा, इसके अंदर न्यूट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के इक्वल है, मास न्यूट्रॉन का टू टाइम मास ऑफ प्रोटॉन है, कैंसिल कैंसिल, रेशियो आ गई, तो आपको रेशियो पता लगे किसकी, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की रेडियस की, क्लियर है यहां तक। इसके बाद आप प्रोटॉन है और वह अल्फा पार्टिकल है, अब उनके रेडियस को डिवाइड कर दो, तो ये प्रोटॉन है और वह अल्फा पार्टिकल है, इन्हें डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी, अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटॉन है और मास फोर टाइम्स है, कैंसिल कैंसिल, आंसर, तो यहां से आपके पास रेडियस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आ गया, प्रोटॉन और अल्फा का आ गया, तो तीनों को कंबाइन करेंगे तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा का क्या आ जाएगा, वन इज टू रूट टू और वन मिला के वन रूट टू वन, तो ऐसे आप तीनों की रेडियस की वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं।
क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो रेडियस का फॉर्मूला ही मेन है, आपने एक चीज देख लिया। इन टाइप की प्रॉब्लम है, सारी गेम ही किसकी है? रेडियस की गेम है। रेडियस चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि मास और चार्ज दोनों चेंज हो रहे हैं। राइट, क्लियर है यहां तक? इस क्वेश्चन को देखते हुए बताओ, क्वेश्चन में यह गिवन है, क्वेश्चन में यह गिवन है कि चार पार्टिकल है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा, चारों को मैग्नेटिक फील्ड में वी वेलोसिटी से फेंका था, सबको स्ट्रेट फेंका था वी, पर ये मुड़ गए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में दे विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कल। ठीक है, आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन न्यूट्रॉन है, कौन इलेक्ट्रॉन है, कौन अल्फा है और कौन प्रोटॉन है। बोलो, सी मैं बताऊंगा, सी न्यूट्रॉन है, क्योंकि सी इसलिए वो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और न्यूट्रल के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता, तो सी तो क्या बन गया? न्यूट्रॉन है। अच्छा बताओ, डी और बाकी क्या है? ए एंड बी, अल्फा और प्रोटॉन है, और डी क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ऐसा कुछ लग रहा है? डी इलेक्ट्रॉन लग रहा है किसी को? डी प्रोटॉन लग रहा है? डी इलेक्ट्रॉन लग रहा है? अच्छा, डी क्या है? इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन, एक आंसर दे दे। ओके डन, क्लोज। इलेक्ट्रॉन लग रहा है, कितने लोगों को इलेक्ट्रॉन लग रहा है? अच्छा, कितनों को प्रोटॉन लग रहा है? अच्छा ठीक है, प्रोटॉन और अल्फा के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर? तो दो, एक दो भाई भाई हैं, प्रोटॉन और जो अल्फा, वो तो पॉजिटिव है, वो कहते हम तो इकट्ठे चल पड़े, चलो इलेक्ट्रॉन तू जा अकेला, वो देखो अकेला घूम रहा है। तो ये तो कॉमन सेंस ही बता रही है कि डी इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि वो प्रोटॉन के साथ नहीं चल सकता, प्रोटॉन के ऑपोजिट चलेगा, और अल्फा पार्टिकल के साथ भी नहीं चल सकता क्योंकि अल्फा भी पॉजिटिव है, तो ऑपोजिट चलेगा, तो डी तो पक्का इलेक्ट्रॉन है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो डी बना इलेक्ट्रॉन, और बी और ए जो है इनमें से ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव में कौन दो पार्टिकल है? अल्फा और प्रोटॉन। अब मुझे ये बताना है कि इन दोनों में से, बी और ए में से कौन अल्फा और कौन प्रोटॉन है। डी का फैसला क्लियर है? ठीक है, यहां तक आप कैसे ओरली बता देते हो कि बी प्रोटॉन है और ए अल्फा है? चार्ज बड़ा है अगर अल्फा का, तो भाई रेडियस इज एम वी बाई बी क्यू, सिर्फ चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है, मास पे भी डिपेंडेंट है। चार्ज और मास दोनों चीजें फैक्टर डिसाइड करती हैं रेडियस क्या होगा। आप चार्ज मत देखो, ये नहीं है बड़ा चार्ज और बड़ा रेडियस हो गया, मास को भी तो लो। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इनका पहले रेडियस देखना पड़ेगा। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? एम वी बाई बी क्यू। अब इस क्वेश्चन में जो वेलोसिटी है सभी पार्टिकल की सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सभी पार्टिकल का सेम है, तो सारी गेम किस पे डिपेंड करेगी रेडियस की? एम बाई क्यू की रेशियो पे, मास और चार्ज की रेशियो पे डिपेंड करेगी। आप मुझे एक बात बताओ, जो अल्फा पार्टिकल है, आर अल्फा, मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑफ अल्फा, प्रोटोन के लिए मास ऑफ प्रोटोन, चार्ज ऑफ प्रोटोन, एक बार इक्वेशन बनाओ अल्फा के लिए, एक बार इक्वेशन बनाओ प्रोटोन के लिए, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करके रेशियो आ जाएगी एक बार अल्फा एक बार प्रोटोन। तो आपको ये क्वेश्चन में पता है मास ऑफ अल्फा इज 4 times मास ऑफ प्रोटोन और चार्ज ऑफ अल्फा 2 times दैट ऑफ प्रोटोन, तो चार्ज चार्ज मास मास कैंसिल 2:1, तो साफ पता लग रहा है रेडियस अल्फा का इज 2 times रेडियस ऑफ प्रोटोन, यानी कि अल्फा का रेडियस प्रोटोन के रेडियस से बड़ा है। अब जो रेडियस बड़ा होगा वो अल्फा होगा, चलो चलें डायग्राम में, बी जो है बड़ा सर्कल बनाएगा, ए जो है छोटा सर्कल बनाएगा, जो बड़ा सर्कल बनाएगा उसका रेडियस बड़ा, जो छोटा सर्कल बनाएगा उसका रेडियस छोटा, तो अल्फा पार्टिकल बड़ा रेडियस बना रहा है, तो अल्फा पार्टिकल बी अल्फा है और ए इसमें प्रोटोन है। तो कैसे चेक करना है? अकेले चार्ज से चेक नहीं करना, किससे चेक करना है? चार्ज और मास से करना है। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं रेडियस का फॉर्मूला काम की चीज है, एम वी बाय बी क्यू, जिसमें चार्ज भी आ रहा है जिसमें मास भी आ रहा है। राइट, इस क्वेश्चन को देखें प्लीज। Thank you.
देखो, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस. तो पार्टिकल है वो x एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v. इट एंटर्स अ रीजन कंटेनिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b. तो रास्ते में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, अलोंग नेगेटिव z डायरेक्शन. पॉजिटिव z कहाँ पर है? आपकी तरफ. नेगेटिव z कहाँ है? बोर्ड के इनसाइड. तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें ड्रॉ नहीं किया हुआ, ड्रॉ करना पड़ेगा, ये बोर्ड के इनसाइड गिवन है, ठीक है. और वो क्या कह रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक है? इतना मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, x इज इक्वल टू ए से लेके x इज इक्वल टू बी तक है. तो अगर पार्टिकल x एक्सिस में मूव कर रहा है और ये x इज इक्वल टू जीरो का ओरिजन है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? x की वैल्यू a से लेके ख़त्म कहाँ पर हो रहा है? x की वैल्यू b तक बस. तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक पार्टिकल जब इसमें एंटर करेगा तो हो सकता है अगर जगह प्रॉपर मिल जाए फिर तो सेमी सर्कल बना के वापस आ जाए, पर अगर ये जगह छोटी पड़ गई तो फिर ये टेंजेंट की तरह बाहर आ जाएगा. राइट, क्लियर है यहाँ तक? तो वो क्या कह रहा है कि बताओ मिनिमम वेलोसिटी वी मैं कितनी दूँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा वेलोसिटी दे दूँगा फिर तो पक्का टेंजेंट बना के बाहर आएगा. तो मिनिमम वेलोसिटी दो सो दैट पार्टिकल कैन एंटर एक्स ग्रेटर देन पी. यानी कि मेरे को लिमिटिंग कंडीशन की बात बतानी है. लिमिटिंग कंडीशन समझते हो? लिमिटिंग का मतलब होता है ना इधर के ना उधर के. जैसे मैथ्स में या फिजिक्स में 100 नंबर का पेपर है, लिमिटिंग कंडीशन है 33. बस इधर या तो उधर उड़ जाते या इधर आ जाते, बस बराबर बराबर ही है. तो मतलब एक बॉडी को, जैसे एग्जांपल, एक बॉडी को हिलाने के लिए 10 न्यूटन फोर्स चाहिए. बॉडी को हिलाने के लिए मिनिमम 10 न्यूटन फोर्स चाहिए. तो अगर मैं 10 लगाता हूँ, मैं बिल्कुल 10 लगाता हूँ, तो हम क्या बोलते हैं? उसकी लिमिटिंग कंडीशन है. पूरी पूरी फोर्स लगाई है तो बॉडी हिलेगी कि नहीं हिलेगी? बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी? बोल नहीं सकते, दोनों हो सकते हैं. अगर 10 न्यूटन की फ्रिक्शन है, 10 ने 10 को कैंसिल किया, नहीं करेगी. लेकिन दूसरी एक्सप्लेनेशन है कि नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलेरेशन जीरो है. एक्सेलेरेशन जीरो के दो मतलब है, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी जीरो है. तो अगर कोई बॉडी मूव भी कर जाती है और नेट फोर्स जीरो है तो भी मूव कर सकती है. मतलब 10 और 10 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, वो फिर भी मूव कर सकती है. हम कह नहीं सकते. इसको बोलते हैं कौन सी कंडीशन? लिमिटिंग. मतलब इधर भी और उधर भी, कुछ भी. पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? अब वो यही कह रहा है कि मेरे को क्या करना है इसमें, मेरे को मिनिमम वेलोसिटी देनी है कि मैं ये चाहता हूँ कि बस ये चाहे इतना सा बहुत ही छोटा एक्स ग्रेटर देन बी के रीजन में एंटर कर जाए. अब एंट्री के लिए पहले बॉर्डर पे तो लेके जाओ. बॉर्डर पे जाना ही इट्सेल्फ एक लिमिटिंग कंडीशन है. तो अगर वो बॉर्डर तक पहुँच जाता है ना, ये जहाँ मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा है वहाँ तक पहुँच जाता है, तो ये मान लिया जाएगा कि पर हल्का सा इधर आएंगे तो वो इधर जा भी सकता है और वापस भी आ सकता है. तो बिल्कुल बॉर्डरलाइन कंडीशन पे काम करना है. बॉर्डरलाइन कंडीशन का मतलब कि रेडियस जो लेना है इसका, वो कितना लेना है? बी माइनस ए. तो रेडियस इसमें बस ये काम ही है, रेडियस बी माइनस ए. अब रेडियस होता क्या है? एम वी बाय बी क्यू. रेडियस की जगह बी माइनस ए इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाय बी क्यू. क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड. दिस इज मिनिमम वेलोसिटी. अगर आपने वेलोसिटी इससे हल्की सी भी ज्यादा कर दी, गारंटेड है एक्स ग्रेटर देन बी में जाके पार्टिकल जाएगा ही जाएगा. पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? तो ये लिमिटिंग कंडीशन आपने डिसाइड कर दी. मिनिमम का मतलब लिमिटिंग कंडीशन, भाई इससे अगर ज्यादा कर दी तो एक्स ग्रेटर देन बी पे गए, इसके इक्वल कर दी तो बॉर्डर के ऊपर से घूम के आ जाओगे. पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये लिमिटिंग कंडीशन आपको निकालनी है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो.
एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ स्पीड यू अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये रहा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एट वाई इज इक्वल टू जीरो, तो ये पॉइंट क्या है, वाई इज इक्वल टू जीरो, एंट्री कर गया वाई इज इक्वल टू जीरो पे, एंटर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर जिसकी वैल्यू माइनस बी नॉट के कैप, देखो माइनस बी नॉट कुछ नहीं होता, बी नॉट माइनस के कैप होता है, के कैप का मतलब ये रहा पॉजिटिव जेड, माइनस के कैप का मतलब इन साइड, तो मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप का मतलब बोर्ड के इन साइड है, तो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, तो मैग्नीट्यूड कितना है, बी नॉट है, विच एग्जिस्ट टू द राइट ऑफ वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस है, इसके राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, राइट। अब वो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट फ्रॉम द रीजन आफ्टर सम टाइम विद स्पीड वी एट अ कोऑर्डिनेट वाई, अच्छा एग्जिस्ट नहीं एग्जिट होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां से एंटर करेगा और सबको पता है 90 पे एंटर कर रहा है तो 90 पे ही एग्जिट करेगा, तो इसका पाथ क्या बनेगा, हमने किया थोड़ी देर पहले सेमी सर्कल, और ऊपर नहीं नीचे डिस्कस किया था, तो इलेक्ट्रॉन जब एंटर करेगा तो वो यहां से एंट्री कर एग्जिट करेगा, क्या ये स्टेप क्लियर है, तो इस क्वेश्चन में ना ये एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, तो वो ऑप्शन मार्क करनी थी, पहला ऑप्शन था कि v इज इक्वल टू यू और y लेस देन जीरो पे, दूसरा ऑप्शन था v नॉट इक्वल टू यू y ग्रेटर देन जीरो पे, नेक्स्ट था v ग्रेटर देन u y इक्वल टू जीरो पे, कुछ ऐसे, पर मैंने करेक्ट ऑप्शन नोट किया हुआ है v इक्वल टू यू, कितने लोगों को समझ में आ गया कि इसमें v और u बराबर है, u का मतलब क्या है, कितनी वेलोसिटी से एंट्री हो रही है, v का मतलब कितनी वेलोसिटी से एग्जिट कर रहा है, तो u और v क्या बराबर रहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करती है, स्पीड को चेंज नहीं करती, मैं लास्ट टाइम भी तीन बार बोला, आज भी दो बार बोला, फिर एक बार बोलता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड स्पीड को चेंज नहीं करती, सिर्फ डायरेक्शन करती है, तो अगर कोई पार्टिकल U से एंटर करेगा तो U से ही बाहर निकलेगा, तो उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी विल रिमेन सेम। फिर आपको ये भी मार्क करना है कि वो कहाँ से बाहर निकल रहा है, वाई लेस देन जीरो से, कैसे, क्योंकि फ्लेमिंग के रूल से वो नीचे से एग्जिट करेगा, और ये पॉइंट क्या था, वाई इज इक्वल टू जीरो का पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, वाई ग्रेटर देन जीरो, और ये क्या है, वाई लेस देन जीरो, तो मेरे का समझ में आ रहा है यहाँ पर वाई क्या आएगा, लेस देन जीरो, कोई डाउट इसमें, तो ऑप्शन समझ में आ रहा है कैसे मार्किंग होगी ऑप्शन की। इस क्वेश्चन को एक बार पढ़े प्लीज, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
विद अ स्लिट सिस्टम, ध्यान से आगे देखो प्लीज, कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ये रहा डॉट 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 का मतलब बोर्ड के बाहर है, बोर्ड के बाहर है, एंड यहाँ पर स्लिट सिस्टम है। ये स्लिट सिस्टम क्या होती है, इसको ध्यान से देखना। स्लिट सिस्टम है, यहाँ पर दो ओपनिंग्स हैं, दीवार है, दीवार के यहाँ ओपनिंग्स हैं, छोटी सी ओपनिंग है, उस ओपनिंग को स्लिट बोलते हैं, ठीक है। तो एक स्लिट है जिसमें पार्टिकल एंटर कर रहा है और एक में से बाहर निकलता है। क्यों बाहर निकलता है, जैसे ही वो एंटर करता है तो पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल। अब सर्कल में मूव के उसको यहाँ का रास्ता मिल सकता है, तो ये यहाँ से घूम के वापस आएगा और डिटेक्टर पार्टिकल को डिटेक्ट करेगा कि वाकई बाहर आया या नहीं आया। तो ये डिटेक्ट, ये हम क्यों बोलते हैं कि ये जो टॉपिक है ये क्या करता है, वो कह रहा है इज यूज्ड एज, ये पूरा अरेंजमेंट कहाँ काम आता है, यूज्ड एज मोमेंटम फिल्टर फॉर हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल। ये फिल्टर की तरह काम करता है, इसके रास्ते से अल्फा पार्टिकल भी, जो भी अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन या जो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एंट्री करवा देते हैं। अब सबका मास और चार्ज तो डिफरेंट है, तो सबका रेडियस भी डिफरेंट है, तो मुझे स्पेसिफिक पार्टिकल को ही बाहर निकालना है यहाँ से। तो मान लो वो स्पेसिफिक पार्टिकल प्रोटॉन था, तो प्रोटॉन बाहर निकल गया मान लो, तो कितने लोग मानते हैं कि जब प्रोटॉन बाहर निकल गया तो न्यूट्रॉन भी बाहर निकलेगा, अल्फा पार्टिकल भी बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस इसमें क्या रहेगा, सेम। अब अगर प्रोटॉन निकल गया तो गारंटी है अल्फा नहीं निकलता और ना ही कोई और पार्टिकल निकलेगा। क्यों? क्योंकि रेडियस किसके साथ मैच हो गया, प्रोटॉन के साथ। R इक्वल टू एम वी बाई बी क्यू प्रोटॉन के लिए बिल्कुल सही बैठ गया, तो बाकियों के लिए सही नहीं बैठेगा। क्योंकि अगर मेरे को ये रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर का, तो प्रोटॉन ने 10 अक्वायर कर लिया, उसकी तो बात बन गई, लेकिन अल्फा की और किसी और पार्टिकल की 10 सेंटीमीटर से चेंज हो गई तो दीवार को टक्कर मारेगा, इसमें से बाहर निकलेगा ही नहीं। इसलिए बोलते हैं ये फिल्टर सिस्टम है। तो बहुत सारे पार्टिकल को एंटर करवा के एक आध पार्टिकल जो बाहर निकालना है वो बाहर आ जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएंगे, इसलिए फिल्टर सिस्टम बोला जाता है इसे। क्लियर है? हालांकि इस फिल्टर सिस्टम की यहाँ रिक्वायरमेंट कोई नहीं है, वैसे बता दिया ऐसा क्यों बोल रहा है फिल्टर सिस्टम है। क्लियर है यहाँ तक? देखो अब वो क्या कह रहा है कि विद मैग्नेटिक फील्ड बी टेस्ला, अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, अगर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, इट इज फाउंड दैट एल्फा पार्टिकल ईच ऑफ एनर्जी 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर निकलता है। अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड बी रखा तो इसमें से बाहर निकल आता है कौन, अल्फा पार्टिकल, और जिसकी एनर्जी कितनी है, 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड केस में कहता है अगर मैग्नेटिक फील्ड में बी की जगह 2.3 भी कर देता हूं, बढ़ा दिया मैंने, तो न्यूट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं फिल्टर में से, वैसे बाहर नहीं आ रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा के बाहर आ जाते हैं। तो कह रहे हैं फिर न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ये भी बता दो। अल्फा की दे रहे हैं, न्यूट्रॉन की पूछ रहे हैं। क्लियर है यहाँ तक? मैग्नेटिक फील्ड पहले अल्फा के लिए बी है और एनर्जी 5.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, न्यूट्रॉन के लिए मैग्नेटिक फील्ड 2.3 बी है, एनर्जी आपको निकालनी है। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, या सबसे पहले ये बताओ रेडियस की वैल्यू क्या होगी इसमें, अगेन एम वी डिवाइडेड बाई बी क्यू। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम वी क्या होगा, बी क्यू इंटू आर, तो यानी कि पार्टिकल का मोमेंटम आ गया कितना, बी क्यू आर। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमने जो किया वो क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, हमने लास्ट ईयर किया था एम से मल्टीप्लाई एम से डिवाइड, तो हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम, एम इंटू वी क्या होता है, मोमेंटम, तो क्या आएगा, पी स्क्वायर बाई टू एम। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला या तो लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर या मोमेंटम की फॉर्म में क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर बाय टू एम। क्लियर है यहाँ तक? तो मुझे क्या निकालनी है, मुझे क्या गिवन है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पी स्क्वायर बाय टू एम, मोमेंटम किसके इक्वल है, बी क्यू आर, इस बी क्यू आर को पी की जगह पुट कर दो तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है? तो पहले मैंने मोमेंटम निकाल लिया रेडियस के फॉर्मूले से, काइनेटिक एनर्जी में मोमेंटम पी की जगह वैल्यू पुट कर दी, काइनेटिक एनर्जी आ गई। दो केस बनाऊंगा, पहले बनाऊंगा किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए,
काइनेटिक एनर्जी ड्यूट्रॉन, बी ड्यूट्रॉन, चार्ज ड्यूट्रॉन, रेडियस ड्यूट्रॉन, मास ड्यूट्रॉन। फिर अल्फा, काइनेटिक एनर्जी अल्फा, बी फॉर अल्फा, क्यू अल्फा, आर अल्फा, मास अल्फा। दो इक्वेशन बना के दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगी इक्वेशन, ये आ गई। डिवाइड करने पे ये आ जाएगा दोनों की रेशियो। इसके अंदर चार्ज ड्यूट्रॉन पे प्रोटोन के इक्वल होता है, अल्फा पार्टिकल पे ट्वाइस ही प्रोटोन होता है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यूट्रॉन का 2.3 भी है, अल्फा पार्टिकल का बी है। रेडियस दोनों का आर और आर है। मास अल्फा का और ड्यूट्रॉन का क्या है, अल्फा का मास 4 टाइम मास ऑफ प्रोटोन है और ड्यूट्रॉन्स का 2 टाइम मास ऑफ प्रोटोन है। कैंसल कैंसल कैंसल, आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन आपको निकालनी है। अल्फा की एनर्जी आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा की एनर्जी 5.3 गिवन है, ड्यूट्रॉन की एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो डिवाइड किया इन्हें, डिवाइड करके सारी वैल्यूज को पुट किया, काइनेटिक एनर्जी अल्फा गिवन है, सॉल्व करके ड्यूट्रॉन की आ जाएगी। कैलकुलेशन है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ रहा है ठीक। ये क्वेश्चन है, प्रोटोन मास m एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस। सुनते ही पता लग रहा है चार्ज गिवन है, वी गिवन है, चार्ज इंटू पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी लेके यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो पार्टिकल विल मूव इन अ सर्कल। द फील्ड ऑक्यूपाइज अ रीजन ऑफ स्पेस ऑफ विड्थ डी, फिगर गिवन है क्वेश्चन में, तो विड्थ कितनी है डी। पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, सर्कल में घूमता है, तो विड्थ तो खत्म हो जाती है, फिर वो टेंजेंशियली बाहर चला जाता है, बाहर चला गया, मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा। तो आपको क्या बताना है, साइन अल्फा। तो रूल नंबर वन, इसका हमने जो डायग्राम बनाया था वो ऐसा बनाया था, अगर ये अल्फा तो सेंटर पे एंगल भी अल्फा, मैग्नेटिक फील्ड अगर ये डी रीजन में है तो ये डिस्टेंस भी डी है और ये आर है। साइन अल्फा बोलो क्या है, डी डिवाइडेड बाय आर, साइन अल्फा डी बाय आर। ये रहा, आर की वैल्यू क्या होती है, एम वी बाय बी क्यू। तो रीअरेंज करके ये आ गया, वेलोसिटी तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हमें चार्ज पता है और पोटेंशियल पता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल इज काइनेटिक एनर्जी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके वेलोसिटी। इस वेलोसिटी वी को उठा के यहां पुट करेंगे डिनोमिनेटर में, रेसिप्रोकल लेंगे, मास जो है वो अंडर रूट के अंदर जाएगा एम स्क्वायर, एम से एम कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन ऑफ अल्फा की। आंसर पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये वही थ्योरी है जो मैंने आपको केसेस में बताई है, तो उस केस की थ्योरी को यूज करके आंसर आ रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? ये क्वेश्चन हमें नेक्स्ट टाइम करना है।